हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर चल रही है प्लांटेशन, और यहाँ पर इन्होंने लाया था, मतलब गुलाब के पौधे लाए थे एक्चुअली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने पहले पौधे लाए थे उसके बीच बीच में हम लोगों ने गैप छोड़ी थी, क्योंकि गुलाब के पौधे हमें लाने थे और गुलाब के पौधों के लिए हम लोगों ने गैप छोड़ी थी। तो इसी वजह से आज ये गुलाब के पौधे ये लेके आए, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये गुलाब। मतलब सारे कलर के ये गुलाब लेके आए, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आपको क्या बताऊँ। मतलब ये जो पौधे मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि काफ़ी सारे ये पौधे लेके आए थे। मतलब ये वाले जो पौधे हैं वो बीच बीच में हम, मतलब साइड में जो पौधे हैं वो एक एक करके हमने पहले लगाए थे, और ये जो पौधे हैं अभी इन्होंने लगाए हैं, और मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। कि ज़रूर बताना मुझे कि ये पौधे आपको कैसे लगे और मेरा गार्डन अब कैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी दिनों से मन था कि गार्डन अच्छा बनाए अच्छा बनाए, बट क्या हो रहा था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। टाइम का भी है और ये भी है कि मूड भी नहीं बन रहा था। तो अभी मूड बन गया है, टाइम मिल गया है, तो और नए साल की शुरुआत भी हो गई है। तो इस तरह से इन्होंने ये, मतलब नए साल की शुरुआत होने वाली है। पहले दिन लगाए थे 31 को, तो 31 को ये बीच बीच में झाड़ू आ रहा है, तो इस तरह से वो क्लीन कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने लगाया था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है अभी अपना गार्डन। और आप भी ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और न्यू लुक मेरे गार्डन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो गुलाब काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही प्यारे गुलाब आ रहे हैं। मतलब ये तो पौधा, मतलब ये जो है बड़ा वाला, ये तो हमने काफ़ी दिनों से लगा रखा था, काफ़ी ग्रो कर रहा है वो, और ये अभी अभी लगाया है। तो ये भी काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी बाहर निकलने के बाद ना, जैसे ही सुबह होती है और जब मैं बाहर निकलती हूँ, तो बहुत ही अच्छा फ्रेश लगता है। तो ये तो मतलब गार्डनिंग का भूत तो हमारे सिर से उतर ही नहीं रहा है। जब तक हमारा ये नहीं लगा था तब तक गार्डनिंग का भूत उतर ही नहीं रहा था, तो अभी फाइनली लग गया है, गार्डन हमारा बन गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, न्यू लुक मेरे गार्डन का। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है 31 दिसंबर, और आज का साल का लास्ट डे है, और आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं कॉलोनी में ही 31 दिसंबर। तो ऐसे ही छोटा मोटा सा प्रोग्राम होता है हमारे कॉलोनी में, जैसे कि क्रिसमस का हुआ था। अगर आपने क्रिसमस का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लेना, काफ़ी इन्जॉय किया था हमने। आज भी पता नहीं अभी वैसे ही होने वाला होगा। तो बस यहाँ पर, बस यहीं पर पड़ोस में प्रोग्राम रखा है हमने, सब कंट्रीब्यूशन किया है इस बार, क्योंकि लास्ट में, मतलब जब प्रोग्राम हुआ था क्रिसमस का, तो उस टाइम हमने कंट्रीब्यूशन वगैरह कुछ नहीं किया था, उनकी तरफ से था। बट इस बार हमने कॉन्ट्री की है, और हम लोग प्रोग्राम रखने वाले हैं आगे का घर में। बस इसी वजह से मैं अभी रेडी होने वाली हूँ, फेस वॉश किया है, तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वो पहले से ही मुझे ना ये है, ज़ुकाम है, तो इसी वजह से अभी जुकाम कंट्रोल हो रहा है मेरा, बट मैं बाहर जाऊंगी तो और भी ज़्यादा लग जाता है, तो इसी वजह से मुझे, मतलब उसका डर लग रहा है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, रेडी होने वाली हूँ। तो मैंने सोचा अभी रेगुलर जैसे रेडी होती हूँ वैसे रेडी होने वाली हूँ, कोई स्पेशल रेडी होने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कॉलोनी में ही प्रोग्राम है, तो इस वजह से कोई स्पेशल रेडी होने वाली नहीं हूँ। बट बहुत बार इसकी रिक्वेस्ट आती है कि आप जो रेगुलर मेकअप करते हो उसी के, मतलब वो दिखाइए करके, तो काफ़ी बार ये रिक्वेस्ट आई है, मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। इससे पहले भी मैंने आपके साथ रेगुलर मेकअप शेयर किया था, बट कुछ न्यू ज्वाइन हुए हैं मुझसे, उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं रेगुलर मेकअप किस तरह से करती हूँ और क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर मेकअप में। तो अभी अभी मैंने फेस वॉश किया है, और बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, बाप रे। तो इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद तुरंत मैं यूज़ करती हूँ ये वाला रोज़ वाला गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मैं काफ़ी दिनों से इसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ पहले, और इसके ड्राई होने का वेट करती हूँ। और हाँ, हम लोगों ने ना गुलाब जामुन बनाए थे, मतलब थोड़ी देर पहले, तो वो भी मैं आपको क्लिप दिखा दूंगी कि गुलाब जामुन, मतलब काला जामुन बनाया है। तो एक्चुअली मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, बट मुझे काला जामुन काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है बनाना। तो किसी ने मुझे बोला था स्वीट की रेसिपी भी आपके आप शेयर किया करो, बट इससे पहले मैंने काला जामुन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इसी वजह से मैंने सोचा आज नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार वही क्या दिखाना। तो आज इसी वजह से मैं आपको क्लिप दिखा दूंगी बाद में, मैंने शूट किया है कि काला जामुन, मतलब बनाया वो शूट नहीं किया है, सिर्फ मैंने ऐसे शूट किया है कि बनाने के बाद तो काला जामुन बनाया, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, खा के देखे हैं हमने। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ, मतलब प्राइमर मैं कभी बाहर जाती हूँ तो यूज़ करती हूँ, बट जब घर पर रहती हूँ ना तो वो यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हो तो वो भी प्राइमर का काम करता है,
मतलब अच्छे से पोर्स को मिनिमाइज करता है और अच्छे से आपके मतलब प्राइमर का जो लेयर है आपके फेस पे बनाए रखता है, तो इसी वजह से वो मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर के लिए। और डे के टाइम अगर रेडी होती हूँ तो डे के टाइम मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, बट अभी नाइट के टाइम में सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है तो मैं NYB का प्राइमर यूज़ करती हूँ। काफ़ी सारे प्राइमर हैं मेरे पास बट रेगुलर के लिए मैं NYB का ही प्राइमर यूज़ करती हूँ, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ऑयली स्किन के लिए अच्छा प्राइमर है, बेस्ट प्राइमर है ये। तो इसी तरह से मैं प्राइमर यूज़ कर लूँगी अभी। जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स लगते हैं आपको, जैसे नोज़ के अराउंड रहते हैं, यहाँ पर चिक्स पे रहते हैं, यहाँ पे फोरहेड पे रहते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से प्राइमर लगाना है, मतलब अच्छे से लेयर लगानी है। यहाँ पर भी रहते हैं तो अच्छे से लेयर लगानी है और आपको अच्छे से उसे स्प्रेड करना है इस तरह से। और आज का जो मेकअप होने वाला है, मैं रेगुलर जो करती हूँ मेकअप वही होने वाला है, सिर्फ प्राइमर मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है इसमें और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। सॉरी, मैं मॉइस्चराइज़र लगाना भूल गई, ऐसे ही हड़बड़ी में हो जाता है। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पर लेके आई थी ये जॉय का हनी वाला मॉइस्चराइज़र, बट अभी ये लगाना भूल गई मैं। तो उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ NYB का ये BB क्रीम। तो ये BB क्रीम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा मैच होता है, इसी वजह से मैं ये वाली BB क्रीम यूज़ करती हूँ। और ये NYB की BB क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छा कवरेज देती है और काफ़ी अच्छी नेचुरल लगती है आपकी स्किन पे। तो मैं ऐसे ही हाथों से रेगुलर के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, काट कूट कर रहे हैं। स्वीट के लिए हमने बाहर से सोचा था पहले लाने का, बट सभी लोग बोल रहे थे कि आपको आता है अच्छे से तो घर पे ही बनाओ, तो ये बोल रहे थे कि नहीं घर पे ही बनाओ घर पे ही बनाओ, इनकी वजह से फिर मैंने घर पे बनाया वो गुलाब जामुन, काले जामुन, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया यार ये, तो नेक पर अप्लाई कर लेती हूँ। बट मैंने हाई नेक का टॉप पहना है तो नेक पर इतना ज़्यादा नेक नहीं दिख रहा है। बाद में यूज़ करती हूँ ये वाइट टोन पाउडर, मतलब अपने BB क्रीम को सेट करने के लिए वाइट टोन पाउडर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाला पाउडर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अच्छा वाइट कास्ट देता है और अच्छे से सेट करता है आपके मेकअप को। ये मैं ऐसे हाथों से लगा लेती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है डेली, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही हाथों से लगाती हूँ, बट अच्छे से आपके मेकअप को सेट करता है ये वाला पाउडर। और लूज़ पाउडर ना, वैसे लूज़ पाउडर काफ़ी अच्छा सेट कर देते हैं आपके मेकअप को, बट बाकी के लूज़ पाउडर थोड़े से महंगे आते हैं, तो इसी वजह से मैं ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ मतलब रेगुलर के लिए। बाकी के अगर आप लैक्मे का या किसी भी ब्रांड का, अगर मेबलिन का वगैरह कोई भी ब्रांड का आप लूज़ पाउडर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। बस पाउडर लगा लिया है, उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को सेट करती हूँ, तो वो मैं सेट करती हूँ अपने रेगुलर भी। अगर मुझे सेट करना है आईब्रोज़ को तो मैं ये वाले म्यूज़िक फ्लॉर के जेल आईलाइनर से अपने आईब्रोज़ को सेट करती हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा थिन है, तो इसी वजह से ये वाला मैं क्या बोलते हैं जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, तो इससे मेरी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी नेचुरल दिखती है। और अगर मैं ब्लैक वाला भी यूज़ करूँ तो ब्लैक वाला मैं पीछे यूज़ करती हूँ और कभी कभी फ्रंट में भी यही ब्लैक वाला यूज़ करती हूँ, बट इससे मेरी जो आईब्रोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है। ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है नहीं तो ऐसा हो जाएगा। एकदम हल्के हाथों से ये स्ट्रोक लेने हैं आपको, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है नहीं तो नेचुरल नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। और उसके बाद ये वाली स्पूली आती है एक, मेरे पास ये आईब्रो पेंसिल है उसमें एक स्पूली है, तो उससे मैं इस तरह से कॉम कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। आईब्रोज डन हो चुकी है गाइज, और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये वाला इंस्टा लाइनर लैक्मे का, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब डेली के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और एक्चुअली इसकी ये बात खासियत है, मतलब ये काफ़ी दिनों तक चल जाता है, एक साल तक तो आपका आराम से चल जाएगा अगर आप रेगुलर भी यूज़ करोगे तो भी। तो अभी इसे मुझे देखने के लिए यार इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसमें देख के मैं करूँगी अब। और ये वाला लाइनर अप्लाई कर लेती हूँ, ये वाला जो लाइनर जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है गाइज, और
मतलब सस्ता भी है, 99 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा अगर आप लोकल मार्केट में परचेस करते हैं जाते हो या ऑनलाइन भी लेते हो तो। वैसे इसकी प्राइस 130 या 120 है। तो इस तरह से मैं अपना लाइनर लगाती हूँ और इस तरह से थोड़ा सा विंग, छोटा सा विंग बना लेती हूँ और इस तरह से लाइनर अप्लाई करती हूँ। तो अभी इस वाले आंखों पे लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना लाइनर अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं काजल के लिए यूज़ करती हूँ ये वाला NYB का काजल। और आप सोच रहे होंगे कि NYB के प्रोडक्ट इतने ज़्यादा यूज़ क्यों करती हूँ मैं डेली के लिए, क्योंकि ना NYB के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है और डेली के लिए मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, डेली के लिए मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ काफ़ी ज़्यादा। मतलब आप लोगों को पता है, आप लोग अगर मुझे मास्टर लाइन टिप्स भी फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी के भी काजल है, बट मैं NYB का ही काजल यूज़ करती हूँ रेगुलर के लिए, डेली के लिए। एक तो ये क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और रिजनेबल है, काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है, तो इसी वजह से मैं ये यूज़ करती हूँ डेली के लिए। तीसरी बात ये है कि ये जेड ब्लैक है। सो गाइज, लाइनर अप्लाई हो चुका है, काजल अप्लाई हो चुका है, उसके बाद मैं रेगुलर के लिए यूज़ करती हूँ ये मेबलिन का हाइपरकल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं यही यूज़ करती हूँ। और आप लोग बोलो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सारे प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसी वजह से तो मैं यूज़ करती हूँ। और बस ये मस्कारा ना मतलब डेली यूज़ के लिए, और ये वाला इसमें मैंने वॉशेबल लिया है क्योंकि वॉशेबल जो है वो डेली के लिए मतलब वॉशेबल ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी बात मैं बताती हूँ आपको, अगर आप वाटरप्रूफ मस्कारा डेली के लिए यूज़ करते हो तो उसमें आपकी लैशेस लॉस होने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैं अपना और एक्सप्रेशन थोड़ा सा, जब भी मस्कारा आप लगाते हो तो थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज हो ही जाते हैं, तो इस तरह से मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो एक ही कोट में कितना अच्छे से लग गया है ये। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड में भी लगा लूँगी, बस एक ही कोट देने से अभी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, तो इसी वजह से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हो, मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा अच्छे से लग गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला मस्कारा मुझे। बस अभी लिपस्टिक की बारी है, तो लिपस्टिक के लिए मैं ये सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ और इसका शेड है सीकर। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब ये वाली लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और ये वाले मतलब आउटफिट पे मेरे सूट करेगी, तो इसी वजह से ये यूज़ कर रही हूँ अभी। नहीं तो मैं रेगुलर के लिए NYB की या ये वाली क्या बोलते हैं तो SQ की लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। तो अगर इसका शेड नंबर चाहिए हो तो आपको मैं, आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको मैं बता दूँगी। तो ये वाला मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ अभी और ये वाली लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब जब तक आप रिमूव नहीं करते हो ना तब तक रिमूव नहीं होती है। मैंने काफ़ी बार आपके साथ इसकी तारीफ़ की है आपके सामने, बट फिर भी मैं अभी बता रही हूँ आपको। बस अभी ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं तो वेट है, इसी वजह से ऐसे दिख रही है, थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी, मैट लगेगी। बस और मैं हेयर्स कर लेती हूँ अपने और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाल बाल बना लिए हैं, मतलब इस तरह से ही, एक मिनट। तो ये वाला पाउडर मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो इस तरह से मैंने अभी के बना लिया है क्योंकि दीदी का फ़ोन आया था और जल्दी आने के लिए बोला है उन्होंने, क्योंकि गुलाब जामुन जो है वो मेरे ही घर पे है, तो अभी मैं गुलाब जामुन लेके जाने वाली हूँ वहाँ पे, और कुछ सामान जो है वो मेरे घर पे है तो वो भी लेके जाने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। सो गाइज, आप देख सकते हो ये वाले काला जामुन बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे, मतलब अगर मतलब रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आपको और देखनी है रेसिपी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कभी जब भी ये काला जामुन बनाऊंगी तब आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे, सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे एक्चुअली, मतलब जिन्होंने भी खाया पहली बार बोल रहे थे कि होटल जैसे ही बना है, और दीदी भी हेल्प करने के लिए आई थी दोनों मुझे कि चलो हम लोग मतलब थोड़ा सा लोइया वगैरह बनाने में हेल्प की थी उन्होंने भी, तो ऐसे करके हम लोगों ने बनाए थे। और यहाँ पर फिर बाद में मैं आ गई थी, तो यहाँ पर आते ही हम लोगों ने चाय पी, पहले चाय बनाई थी तो सब लोगों ने चाय पी, उसके बाद फिर जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ।
तो थोड़ा सा जो वेजिटेबल पुलाव है उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है, मतलब पुलाव नहीं सॉरी, वेजिटेबल वेज क्या बोलते हैं बिरयानी की। और यहाँ पर बच्चे जो है वो डेकोरेशन कर रहे हैं 2020 के वेलकम का, तो यहाँ पर डेकोरेशन हो रहा है। बच्चों ने ही ऐसे किया था थोड़ा सा मतलब डेकोरेशन, बट फाइनल लुक तो इतना इतना अच्छा था उसका, मतलब आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। और ये है फाइनल लुक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, डेकोरेशन उन्होंने किया था। और यहाँ पर वेजिटेबल वेज बिरयानी, वेजिटेबल पुलाव, पुलाव ही बोल रही हूँ मैं बार बार, तो वेज बिरयानी बन रही है। और वेज बिरयानी बनाई थी, कढ़ी बनाई थी और पकोड़े वगैरह तले थे, तो यहाँ पर अभी पकोड़े ही खा रहा है, तो उसको इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, वो उधर बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर रहा था, यहाँ पर गरम गरम पकोड़े बन रहे थे तो वो खा रहा था वो। और बस उसके बाद हम लोग डांस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद केक कट करेंगे, और आप देख लीजिए आगे का। तो गाइज डांस वगैरह किया, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद ना यहाँ पर केक कट हो रहा है, 12:15 बजे थे, मतलब सॉरी 12 बज गए थे, तो पहला केक कट हो रहा है, यानी कि दीदी का बर्थडे था 1 तारीख को, मतलब आज 1 तारीख को जब मैं एडिट कर रही हूँ तब दीदी का बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे टू दीदी। तो इसी वजह से उन्होंने उनके घर पे प्रोग्राम रखा था, बट ये सरप्राइज़ रखा था, उन्होंने बताया ही नहीं था हमें कि दीदी का बर्थडे है करके। तो 2 केक लेके आए थे, तो एक हम लोगों को मतलब हम लोगों को काटना था सभी को मिलके, जो न्यू ईयर का केक है, और एक दीदी ने काटा था, पहले दीदी ने काटा था जैसे ही 12 बज गए थे, तो पहले दीदी ने केक कट किया था, और हम लोगों ने सभी ने फिर उनको विश किया, टाइम पर बताया था उन्होंने, हम लोग पूछ रहे थे कि उनको मतलब ये 2 2 केक किस लिए है, तो फिर बताया था उन्होंने कि दीदी का बर्थडे है करके। तो यहाँ पर फिर पहले उन्होंने 2 केक कट किया, न्यू ईयर केक कट करेंगे, यहाँ पर हो रहा है न्यू ईयर का केक कट, और ये हो गया है न्यू ईयर का केक कट। सभी लोगों ने केक कट किया, उसके बाद सभी लोग अभी केक खाएंगे और बस ऐसे ही एंजॉय करेंगे, मतलब सारा कुछ हो चुका था उस टाइम, फिर हम लोगों ने उसके बाद खाना खाया था, केक कट होने के बाद फिर सब लोगों ने खाना खाया था, और यहाँ पर हो गया है केक कट। आप भी आ जाइए केक खाने के लिए, खाइए और आप भी एंजॉय करिए। तो बस इसी तरह से सारे लोग एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, और उसके बाद ना केक कट हो जाने के बाद हम लोगों ने फटाके भी फोड़े थे, तो सभी लोगों ने मिलके फटाके फोड़े थे, और कॉलोनी में हम ही 4-5 लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग सो गए थे, मतलब जिन जिनको एंजॉय नहीं करना था वो लोग सारे सो गए थे, और हम लोग दूसरे के घर पर जा जाके फटाके फोड़ रहे थे। और इसी तरह से हमने एंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया उस दिन, और बस ऐसे ही मनाया हमने अपना 31st। और बस इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। हे गाइस गुड मॉर्निंग, एंड रात को मैं उधर से काफ़ी ज़्यादा लेट आई, तो इसी वजह से मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने वहाँ पे भी, जैसे क्रिसमस पे किया था उसी टाइप का, बट क्रिसमस पे थोड़ा सा ज़्यादा ही किया था कि इस बार गेम्स वगैरह कुछ खेले नहीं थे, तो इसी मतलब हमने सोचा था गेम्स वगैरह खेलने का, बट कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि आपने देखा कि वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी, तो और मेरी आँखें देखिए कितनी सूजी सूजी सी लग रही है, मतलब रात को काफ़ी देर के बाद सोई ना, मतलब लेट सोई, इसी वजह से काफ़ी सूजी सूजी सी लग रही है, और फेस भी सूजा सूजा सा लग रहा है, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। तो और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, मतलब आज है 1 जनवरी 2020, और सभी को नया साल बहुत 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 मुबारक हो, और नए साल में आपकी क्या क्या रेजोल्यूशन है वो मुझे ज़रूर बताना, और आपकी फैमिली को भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और ये नया साल आपका बहुत ही अच्छे से जाए। और बस मुझे सडनली याद आया कि मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने, आपको भी मज़ा आया होगा, और काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी आप लोगों ने, इसी वजह से मैंने आपके साथ मेरा डेली मेकअप रूटीन शेयर किया है, तो आई होप आपको देख के अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।